हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा। हम पढ़ रहे थे क्लास सिक्स के चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ क्वांटिटीज के बारे में और सॉल्व किया था एक एग्जांपल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। बुक एग्जीबिशन हेल्ड इन अ स्कूल फॉर 4 डेज। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन हुआ कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए? 1094। सेकेंड डे में 1812, थर्ड डे में 2050 एंड फोर्थ डे में 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 दिन का जो एग्जीबिशन हुआ उसमें टोटल नंबर्स ऑफ टिकट जो सोल्ड हुए वो हमें काउंट करके निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों दिन के फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, इन चारों दिन के जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड है उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट हमारा निकल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल्स टू 1094। On second day, On third day, 2050. Fourth day, this is 2751। अब हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स। टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इन चारों को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड कर लेते हैं हम 4, 2, 1, 7, 5, 5, 1 and 9, 20, 2, 7 and 8, 15, 16, 17, 2, 2, 4, 5, 6 and 7। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स हमारे कितने हो गया, 7,707। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। शेखर स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। शेखर ने टेस्ट मैचेस में कितने रन स्कोर किए, कर चुका है 6,980 रन्स। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, उसका विश है कि वो 10,000 रन को कंप्लीट करे। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, यानी कि वो जो स्कोर कर चुका है पहले से उसमें और उसको कितना ज्यादा रन चाहिए कि उसका जो विश है 10,000 रन का वो कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6,000 में हमें ऐसा कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे 10,000 आ सके। उसके लिए हमें 6,980 को 10,000 में माइनस करना पड़ेगा। जब हम 10,000 में 6,980 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो मोर रन जो हमें 10,000 बनाने के लिए नीड होगा शेखर को, वो निकल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रन्स टू अचीव। उसे कितना रन अचीव करना है, टोटल 10,000 रन्स। उसने स्कोर कितना किया है, रन्स स्कोर 6,980। अब हमें निकालना क्या है, नीडेड रन्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 में 6,980 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 2, 0, 3, यानी कि
जो रन्स हमारा नीडेड है 10,000 को कंप्लीट करने के लिए वो है 3,020। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इन द इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स। यानी कि एक इलेक्शन में जिस कैंडिडेट ने जीत हासिल की है उसने कितने वोट सिक्योर किए हैं? 577,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 348,700 वोट्स। यानी कि जो कैंडिडेट हार चुका है उसका सबसे नियरेस्ट राइवल जो है उसने कितने वोट्स हासिल किए हैं? 348,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीत हासिल किया है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट का वोट्स है उसमें हम जो नियरेस्ट राइवल का वोट्स है उसको सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट जो कि हमारा है 577,500। अब हम क्या लिखेंगे, वोट सिक्योर्ड बाय वोट्स सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल जो कि क्या है 348,700 348,700। अब हमें क्या निकालना है, वो मार्जिन वोट जितने जिससे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो अपने नियरेस्ट राइवल से जीत हासिल किया है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का वोट है उसे उसमें हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना होगा, जो उसके नियरेस्ट राइवल का वोट है उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम कर देते हैं, यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो 228,800 वोटों से जीत हासिल किया है। किससे, अपने जो नियरेस्ट राइवल है उससे। ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन बिटवीन देम, मार्जिन बिटवीन देम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड्स बुक वर्थ रुपीज 285,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। इन द सेकेंड वीक रुपीज 4,768,000। हाउ मच द सेल ऑफ टू वीक्स टुगेदर, इन विच वीक द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कीर्ति बुक स्टोर है जिसमें जून में, जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में कुछ बुक बेचे गए हैं। फर्स्ट वीक में कितना बेचा गया, 285,891। सेकेंड वीक में कितना बेचा गया है, 4,768,000। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ मच द सेल ऑफ द टू वीक्स टुगेदर, दोनों वीक में मिला करके कितने बुक्स टोटल सोल्ड हुए। आगे क्या पूछा गया है, इन विच वीक द सेल इज ग्रेटर, दोनों में से किस वीक में ज्यादा बुक सेल हुए हैं और कितने ज्यादा हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हाउ मच द सेल टोटल। तो हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वीक के जो टोटल बुक सोल्ड है और जो सेकंड वीक का टोटल बुक सोल्ड है, हम क्या करेंगे उसे ऐड कर देंगे तो टोटल बुक्स हमारा निकल जाएगा जो सोल्ड हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इन विच वीक द सेल इज ग्रेटर, हम कंपेयर करना पड़ेगा दोनों नंबर्स को कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, उस वीक में हमारा बुक ज़्यादा सोल्ड हुआ है। और लास्ट में क्या करना है, बाय हाउ मच, यानी कि जिस वीक में नंबर ऑफ बुक सोल्ड ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा अगले वीक से हुआ है। हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, इज इक्वल्स टू
85,891. In second week, we have 4,768 books. अब हम क्या करेंगे इसे टोटल नंबर टोटल सोल्ड निकालना है हमें, तो क्या कर देंगे हम इसे ऐड कर देंगे. जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा टोटल सोल्ड बुक निकल जाता है. तो हम इसे ऐड कर देते हैं, उससे हमारा क्या निकलेगा, टोटल बुक्स सोल्ड. इसे ऐड कर देते हैं हम, यानी कि टोटल बुक्स सोल्ड जो हमारा हुआ वो कितना है, 686,659. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इन विच वीक द सेल इज ग्रेटर, मतलब ये इन दोनों में से किस वीक में सेल ज्यादा हुआ है. तो अब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं. हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देख लेते हैं. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है. अब 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है. यानी कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा है. यानी कि सेकेंड वीक में हमारा बुक ज्यादा सोल्ड हुआ है. तो हम लिख देंगे यहाँ पर, सिंस 4,768 इज ग्रेटर देन 2,85,891, सो सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर, वीक इज ग्रेटर. ये हो गया. अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच वीक द सेल इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. यानी कि जो हमारा सेकेंड वीक का जो सेल है वो फर्स्ट वीक से कितना ज्यादा है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वीक में जो बुक सोल्ड हुआ है उसमें हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट वीक के जो बुक सोल्ड हुए हैं उसको. बुक सोल्ड इन फर्स्ट सेकेंड वीक इज इक्वल्स टू 4,768 books sold in first week. Mara kya hai? 2,85,891. अब हम क्या कर देंगे, इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे. हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर बुक्स सोल्ड इन, मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक. ये हो गया हमारा आंसर. यानी कि सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक के मुकाबले 1,14,877 बुक ज्यादा सोल्ड हुआ है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4 एंड 3 ईच ओनली वंस. यानी कि हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4 एंड 3. सबसे पहले हमें क्या करना है, उससे एक ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है और एक लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर बनाना है. अब हम सबसे पहले वो करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. और हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है उसमें से हर डिजिट का यूज़ बस एक ही बार करना है. हम सॉल्व करते हैं इसे.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर डिजिट्स हमारे पास क्या है, डिजिट्स हमारे पास 6, 2, 7, 4, 7, 4, 3. अब हमें क्या करना है, इसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया हमारा. ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट जो होगा उसे रखेंगे. अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 6, 2, 7, 4 and 3 में सबसे जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा हम सबसे पहले उसे रखेंगे. सबसे यहाँ पर हमारा बड़ा क्या है, 7 है, तो हम सबसे पहले 7 लिख देते हैं. अब 7 का यूज़ हमने कर लिया है. अब बाकी बचे हुए डिजिट्स में से कौन सा डिजिट हमारा सबसे बड़ा है, 6, 2, 4 and 3 में सबसे बड़ा क्या है, 6 है, तो हम लिख देते हैं 6. 6 का यूज़ भी हो गया. अब 2, 4 and 3 में 4 बड़ा है, 4, then 3, then 3, then 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा कितना डिजिट्स नंबर बना, 5 डिजिट्स नंबर बना. ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, किससे, 5 डिजिट से. लीस्ट नंबर बनाते हैं हम. लीस्ट नंबर सबसे के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट्स को हम लिखेंगे. यहाँ पर हमारा सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 2 है, हम लिख देते हैं 2. उसके बाद 3, 4, 6 and 7, यानी कि 23,467 हमारा लीस्ट नंबर हुआ इन 5 डिजिट से. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर. अब ये हमारे पास ग्रेटेस्ट आ गया, ये हमारे पास लीस्ट आ गया, हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे. निकाल देते हैं, ये हो गया हमारा डिफरेंस. किसके किसके बीच, ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस हमारे पास ये आ गया. ये हो गया हमारा आंसर. बस यही करना था हमें, सबसे पहले हमारे पास जो 5 डिजिट्स दिए हुए थे उनका बस एक एक बार यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, सबसे लीस्ट नंबर बनाना था, और उसके बाद हमें क्या करना था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006. यानी कि एक मशीन है जो कि एक दिन का एवरेज 2,825 स्क्रूज प्रोड्यूस कर रहा है. अब हमें निकालना क्या है कि पूरे जनवरी महीने में वो टोटल कितने स्क्रूज बना सकता है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जानेंगे जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं. तो जनवरी मंथ में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं. और हमारे पास एक दिन का कितना मैन्युफैक्चर है स्क्रूज का, 2,825. तो अगर हमें जनवरी महीने का निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन का जो स्क्रूज है उसमें हम क्या करेंगे, 31 जो जनवरी का टोटल डेज होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. इसे सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन वन डे इज इक्वल्स टू 2,825. अब हमें क्या करना है, जनवरी मंथ का लिखना है. नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इज इक्वल्स टू 31. हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूसेस इन जनवरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्क्रूज इन वन डे
screws in one day multiplied by number of days in January. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज इन वन डे कितना है हमारे पास, 2825 है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन जनवरी हमारे पास क्या है, 31 है. 31 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं, 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31. 2 8 2 टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 87,575 स्क्रूज. ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमने सॉल्व कर लिया. तो आज के लिए बस इतना ही. जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें. थैंक यू.